अरे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, समय समय पर हम आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते रहते हैं। दोस्तों, हमने आपको डिप्रेशन यानी तनाव के बारे में भी एक या दो बार बताया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि डिप्रेशन यानी तनाव किस प्रकार से बढ़ता है। वो अत्यधिक कारण रहता है एक उसमें, जिसके बारे में बताएंगे, आपके सोने पर निर्भर करता है। आप जिस प्रकार से सोते हैं, वो सोना आपके डिप्रेशन का कारण हो सकता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको, यदि आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोते हैं, तब आपका डिप्रेशन अत्यधिक मात्रा में बढ़ता है। दोस्तों, दक्षिण दिशा से चुंबकीय तरंग उत्तरी ध्रुव की ओर बहती रहती हैं। दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तर ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है, तो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर यह तरंगें सदा बहती रहती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जब वो तरंगे चुंबकीय तरंगे पैरों से होकर के मस्तिष्क के ऊपर से गुजर करके चली जाती हैं, तब पैरों का जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो मस्तिष्क की ओर जाने लगता है। दोस्तों, स्वच्छ जो निरोग व्यक्ति हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, उन्हें तो शुरू शुरू में इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, रोगी व्यक्ति इसे तुरंत अनुभव कर लेता है और वह और अधिक अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगता है। दोस्तों, तब हम आपको बताते हैं, यदि आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तब आप दक्षिण दिशा में पैर करके बिल्कुल ना सोएं। इस प्रकार करने से जो डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन से विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं, व्याधियां बढ़ती हैं और भयंकर से भयंकर बीमारियों को डिप्रेशन जन्म देता है। तो दोस्तों, एक यह छोटा सा उपाय है, यदि आप इसे करते हैं और इसका थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं, तो आप अपने जीवन में एक बात को ध्यान रखना कि आपका डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार करने से आप भी बचें और दूसरों को भी इस प्रकार करने से बचाएं। दोस्तों, बहुत अच्छा और सरल उपयोग है, इसे अवश्य करें। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।